सवाल ये आता है कि क्या हम सच बोलते हैं, सच्चाई क्या होती है, क्या हमने सच बोलना चाहिए, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो भी कोई कम्युनिकेशन होता है, संवाद होता है, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ बोलता है और दूसरा व्यक्ति कुछ मुझे आगे बोलता है, तो जो बोल रहा है वो क्या वो सच है? मतलब पहले व्यक्ति ने जो दूसरे व्यक्ति को कुछ बोला था वो क्या मुझे बोल रहा है वो, कि और कुछ बोल रहा है? चलो ये दो व्यक्ति की बात छोड़ दो, उसमें तो बहुत अंतर आ जाएगा, उसमें तो बहुत इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, उसमें बहुत कुछ मसाला ऐड करके कोई बोलता है। सीधी बात करो, एक व्यक्ति है, उसने कुछ घटना देखी, उसने कुछ देखा और वो आके मेरे से बात कर रहा है, क्या वो सच बात कर रहा है, सच्ची बोल रहा है? तो ऐसा होता नहीं। क्या है कि ये समझ लो, हम हमारी आंखों से कुछ देखते हैं, जो देखते हैं तो 90% हम देखते ही नहीं है, 90% हम देखते ही नहीं है। हम जो देख रहे हैं उसका इंटरप्रिटेशन हमारे दिमाग में जाता है, उसको कुछ मीनिंग ऐड करके हमारे दिमाग में जाता है। मतलब ऑलरेडी हमारे ब्रेन में जो है वो वहाँ तैयार है, मौजूद, और वहाँ से जो भी मैं देख रहा हूँ उसको इंटरप्रिट करके अंदर जाता है, और फिर बाद में फिर मैं और किसी को जो मुझे समझ में आया वो बोलते रहता हूँ। तो फिर सच बोला ही कहाँ मैंने? मतलब जो घटना हुई वो घटना मैंने बोला ही कहाँ? एक्चुअली हुआ क्या, व्हाट हैपेंड, तो हमको मालूम ही नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? क्योंकि घटना जो भी होती है वो घटना एक्चुअली क्या हुई ये कोई बता नहीं सकता। जो भी वो बताएगा वो घटना का इंटरप्रिटेशन है, वो घटना का मीनिंग है, वो घटना की स्टोरी बता रहा है। समझो, मैंने एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझने के लिए दे रहा हूँ कि एक मेरे पास में अभी व्यक्ति बैठा है, मैंने उसके कंधे के ऊपर हाथ रखा है, यहाँ से हाथ रखा, अभी यहाँ रखा, व्हाट हैपेंड, हुआ क्या? तो कोई बोलेगा उसको शाबाशी दी, कोई बोलेगा वो सो रहा था उसको जगाया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट हैपेंड। मैंने तो मेरा हाथ उठाया और वहाँ उसके कंधे पे रखा, इतने मैंने किया। अब कोई बोल रहा है कि उसको शाबाशी दी, कोई बोल रहा है कि उसको सोया था इसको जगाया, कोई भाई उसको पीठ के ऊपर थपथपाया ताकि वो सोना नहीं चाहिए, कितने सारे अर्थ निकालेंगे, कितने सारे लोग कुछ बोलेंगे, और फिर सच्चा क्या है वो मालूम ही नहीं। मैंने हाथ क्यों रखा वो मालूम ही नहीं। जो भी जो कुछ भी उसके बारे में जो बोलेंगा वो है इंटरप्रिटेशन। हम बोलते नहीं नहीं सच बोलो, सच, सच्चाई क्या बताओ, सच सच बताओ। तो सच क्या बताना है, कौन सच बता सकता है, और फिर सच बता के फायदा भी क्या है? समझो कोई बताता है सच तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? समझो अभी ये जो है ये लाइट ग्रे कम ब्लैकिश कलर है शर्ट का, अभी मैंने बताया कि सच्ची है ना, हाँ सच्ची है, हाँ मेरी बनियान जो है वो बनियान व्हाइट कलर की है, मैंने सच्ची बता दिया कि मेरी बनियान जो है वो व्हाइट कलर की है, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा किसी को? तो सच जान के भी करोगे क्या? लोग ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं, सच बोलो सच बोलो, गॉसिपिंग करते रहते हैं सच बोलने के इसमें, और जो भी हुआ उसके बारे में इंटरप्रिटेशन करके अपने मन की लगा के स्टोरी बना के लोगों को सुनाते रहते और हंसी मजाक करते रहते हैं। ये दुनिया में सच नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। कोई भी चीज़ ना सच है ना झूठ है, ना सही है या गलत है, ना सत्य है ना असत्य है। हम उसको देखते कैसे है, हमारा नजरिया क्या है, और हमारे दिमाग में पहले से क्या उसके बारे में चल रहा है, बस उसी तरह हम उसको देखते हैं। देखने का नजरिया क्या है वहां से हम देखते हैं, एक्चुअली घटना क्या हुई ये हम किसी को बताते नहीं है, उसका मिस इंटरप्रिटेशन ही करते रहते हैं। समझो मैं जा रहा हूँ, सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, मैंने उसको आवाज़ दिया हेलो सुनील, और उसने मेरी तरफ ख्याल दिया नहीं। अब हुआ क्या, मैंने उसको बोला हेलो सुनील, उसको ऐसा वेव किया, उसने मेरी तरफ ख्याल दिया नहीं या उसने हेलो किया नहीं। अब उसने हेलो किया नहीं, मैंने इंटरप्रिटेशन क्या किया, मैंने इंटरप्रिटेशन ये किया कि ये सुनील जो है वो ज़्यादा ही इगोइस्टिक हो गया है, मैंने उसको हेलो किया तो उसने हेलो किया नहीं, उसने जानबूझ के मुझे हेलो किया नहीं, बहुत अमीर बन गया वगैरह वगैरह। मैं घर पे आके मेरे पत्नी को बोलता हूँ वो जो है ना सुनील मेरा दोस्त, देखो मैंने उसको हेलो किया तो उसने हेलो को हेलो नहीं किया, प्रतिसाद नहीं दिया, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो गया है। अभी मैंने क्या किया, जो हुई घटना वो नहीं बता रहा हूँ मैं, जो सच्चाई हुई वो नहीं बता रहा हूँ मैं, क्या बता रहा हूँ जो हुआ उसका इंटरप्रिटेशन बता। मैंने एक्चुअली मेरी पत्नी को आके क्या बताना चाहिए, मैंने बताना चाहिए कि सुनील जा रहा था, मैंने इधर से हेलो किया हाय किया और उसने मुझे हाय नहीं किया, इतने बताना चाहिए। मगर मैं क्या बोलता हूँ, नहीं नहीं वो इगोइस्टिक हो गया, देखता भी नहीं है, बहुत पैसे वाला, ये सब इंटरप्रिटेशन है। अभी हमको क्या करना है, इसका टेक होम मैसेज ये वीडियो का, कि ऑब्जर्व करके जो हो रहा है उसको देखो, अपने मन से उसमें कुछ मत लगाओ, जो भी हो रहा है उसको देखो, ऑब्जर्व ऑब्जर्व एंड ऑब्जर्व, स्थित प्रज्ञ होकर देखो, जो हो रहा है उसको देखना है, कुछ भी मीनिंग लगाने का नहीं है, क्योंकि मीनिंग से ही प्रॉब्लम होते रहते हैं, मीनिंग से ही कम ज़्यादा दिमाग में होता है, मीनिंग से ही बहुत इमोशनल लोग हो जाते हैं, मीनिंग लगाने से ही झंझट झगड़े होते रहते हैं,
तो मीनिंग लगाना नहीं है, स्थित प्रज्ञ होकर देखना है, जो हुआ वो हुआ और जैसा हुआ वैसा हुआ, अपने दिमाग का कुछ लगाने का नहीं। और वैसा हम स्थित प्रज्ञ होकर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जो हुआ उसको देखते हैं, तो बहुत सारे अपसेट्स हमारे नहीं होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, बहुत सारे कम्युनिकेशन हमारे अच्छे हो जाएंगे और एक शांति की जिंदगी हम जी सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।